इस लेक्चर में हम असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। क्यों न्यूज़ में थी? एक रिज मैनेजमेंट बोर्ड बहुत सालों पहले 1990s के लगभग बनाने को बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस रिज मैनेजमेंट बोर्ड ने क्या है डिसाइड किया है कि ये एक एक्सपर्ट कमेटी कंस्टिट्यूट करेगी, मतलब गठित करेगी, किस लिए? टू लुक इन टू द प्रपोजल ऑफ डंपिंग इनर्ट वेस्ट। जो यहाँ पे क्या है जी, इनर्ट वेस्ट को डंप किया जाता है, मतलब यहाँ पे इनर्ट वेट वेस्ट है। जो इनर्ट वेस्ट क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है ये इनर्ट वेस्ट, यहाँ पे डाल दिया जाता है, मतलब कूड़ा कचरा वगैरह डाल दिया जाता है इसमें, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो दिल्ली और कुछ हरियाणा के एरियाज में पड़ती है। इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे जो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे माइंस है, मतलब खदाने हैं जहाँ से पत्थर वगैरह निकाले जाते हैं, मिनरल्स वगैरह। तो उन पर क्या है, वहाँ पर लोग जो इनर्ट वेस्ट है उसको डंप कर रहे हैं, मतलब डंपिंग का मतलब है जी इनर्ट वेस्ट है जो, उसको डाल के चले जाते हैं यहाँ पे और उनका पहाड़ सा बन जाता है। तो पहले समझते हैं ये इनर्ट वेस्ट क्या है, उसके बाद समझेंगे असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, उसके बाद हम जो रिज मैनेजमेंट बोर्ड है इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनर्ट वेस्ट से। इनर्ट वेस्ट इज वेस्ट विच इज़ नाइदर बायोलॉजिकल और केमिकली रिएक्टिव। ये ऐसा वेस्ट होता है जी कचरा, जो क्या है ना तो केमिकली रिएक्टिव होता है, ना तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ना ही बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब है कोई पेड़ पौधा पत्ता नहीं होता जो उग जाएगा पेड़ बन जाएगा, ऐसा कोई भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होती। या मान लो जो वायरस वगैरह फंगी वगैरह होती हैं, इसको सड़ा गला दें और इसे डीकम्पोज कर दें, तो ये क्या है, वेस्ट विच विल नॉट डीकम्पोज। ये डीकम्पोज भी नहीं होता जी, अगर डीकम्पोज भी होता है तो वेरी स्लोली, बहुत ही स्लोली, ये क्या है, बहुत ही धीरे से डीकम्पोज होता है, मतलब हजारों लाखों साल लगता है इसे डीकम्पोज होने में। डीकम्पोज का मतलब है जी, जैसे पेड़ के पत्ते वगैरह होते हैं वो सूख जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद देखते हो आप मिट्टी में मिल जाते हैं, पता भी नहीं लगता पत्ता कहाँ पे है, लीव्स लीव्स ऑफ द ट्रीज उनकी बात हो रही है। तो डीकम्पोज होना वो बोलते हैं उसे, कि मिल जाना मिट्टी में जो सॉइल है उसमें मिल जाना। लेकिन ये ऐसा वेस्ट होता है जो नहीं मिलता। अब कैसा वेस्ट होता है जी, इनर्ट वेस्ट, ये जी जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन मटेरियल होता है ना कंस्ट्रक्शन में, जैसे मेटल होगी, धातु, वुड होगी, लकड़ी या ब्रिक्स, ईट ईटों का कचरा होगा जी। जैसे क्या है, कोई बिल्डिंग वगैरह घर बना वगैरह बना रहे हैं, उससे जो कचरा निकलता है, जैसे ईंट वगैरह होगी, पत्थर हो गए, या फिर आपका मेजनरी या सीमेंट कंक्रीट हो गया आपका, जैसे जो लेंटर वगैरह पड़ता है वो एसफाल्ट कंक्रीट, तो ये सारे जो होती हैं इसे बोलते हैं इनर्ट वेस्ट। ये क्या है, डीकम्पोज नहीं होता है, और इसे क्या है, डीकम्पोज होने में भी अगर होता है तो बहुत सालों लगते हैं। लेकिन ये क्या है, इससे कोई एयर पोल्यूशन तो नहीं होता है इससे। देखो जी यहाँ लिखा है द वेस्ट यूजुअली डोंट पोज ए थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। कोई इन्वायरमेंट को कोई थ्रेट तो नहीं पहुँचाता है ये, ना ही एनिमल्स की हेल्थ को, ना पीपल्स की हेल्थ को, इससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर यहाँ पे इनर्ट वेस्ट पड़ा हुआ है तो उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये क्या है, जो आपके जो वाटर की यहाँ पे जो वेस्ट है वो यहाँ पे एक पहाड़ सा बना लेगा, मतलब एरिया घेर लेगा। और इससे एक बात और याद रखनी, नॉट एंडेंजर द क्वालिटी ऑफ वाटर कोर्सेज। जो भी यहाँ पे मान लो कोई पानी की नदी है यहाँ पे, मान लो, या कोई आपका यहाँ पे लेक है, झील है पानी की, और कचरा यहाँ पे पड़ा है, तो उससे भी कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे जो वाटर कोर्सेज है, मतलब जो पानी के कोई भी संसाधन है, उनको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बस ये क्या है, लॉट ऑफ स्पेस को ये घेर लेता है एक तरह से। When there is a large amount of type of waste, it can become an issue as it begins to take up a lot of space. मान लो जी यहाँ पे इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आप मान लो आधी में इनर्ट वेस्ट ही भर दो, तो ये सारा स्पेस तो घेर ही लेगा। जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वगैरह रहती हैं, ट्रीज वगैरह रहते हैं, उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं बचेगी, सारा स्पेस तो आप इनर्ट वेस्ट से घेर लोगे। तो यही था इसका इशू। अब पढ़ते हैं जी असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्या है, लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज में फैली हुई है, जो सदर्न दिल्ली है उसके रिज में मिलती है जी, अरावली हिल्स जो रेंज है उसके रिज में। मतलब कि जैसे ये जी दिल्ली है और ये आपका हरियाणा है, हरियाणा ये इधर आपका राजस्थान हो गया, यहाँ राजस्थान से लेके यहाँ दिल्ली तक क्या है, ये अरावली हिल्स है, अरावली की पहाड़ियाँ, और यहाँ पे है जी ये कुछ दिल्ली के एरिया में और कुछ हरियाणा के एरियाज में। कौन सी, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जंगल सा है जी, बस पेड़ पौधे से होते हैं यहाँ पे, ये हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पे पड़ता है। और इसके जो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके 1 किलोमीटर के एरियाज़ में, जैसे ये असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अराउंड 1 किलोमीटर स्क्वायर एरियाज़ में इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है गवर्नमेंट ने, इको सेंसिटिव जोन। ये इको सेंसिटिव जोन गुड़गांव और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो इसमें एक्टिविटीज़ हैं जी, जैसे कॉमर्शियल माइनिंग हो गया, या कोई इंडस्ट्रीज कंपनी वगैरह सेटअप करना यहाँ पे,
या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना, ये सारे प्रोहिबिटेड हैं। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जा सकती इसमें, सारी यहाँ पे बैन की हुई है गवर्नमेंट ने। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें दोनों फ्लोरा और फौना दोनों डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जी। ट्री वगैरह मिलते हैं, श्रब झाड़ियाँ, हर्ब्स ग्रासेस मिलती हैं जी, घास। इसमें मैमल्स भी पाए जाते हैं, मैमल्स हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। रेप्टाइल्स मिलते हैं जी इसमें, रेप्टाइल्स का मतलब है जी रेंगने वाले, जो रेंगते हैं ना, जो ऐसे पक्षी मतलब बहुत ऐसे प्राणी होते हैं जो रेंग के पेट के बल चलते हैं, रेंग के चलते हैं। जैसे आपका स्नैक हो गया, सांप, छिपकली होगी जी, लिजार्ड, तो ये रेप्टाइल्स बोलते हैं इनको। एम्फीबियंस होते हैं जी, एम्फीबियंस ऐसे प्राणी होते हैं जी, ऐसे जीव जो क्या है पानी में भी रह सकते हैं, वाटर में, और लैंड पे भी रह सकते हैं, जमीन पे। जैसे कोई एग्जांपल दो आपके दिमाग में आ रहा है? हाँ जी, फ्रॉग, मेंढक। मेंढक पानी में भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है, तो ऐसे प्राणियों को बोलते हैं एम्फीबियंस। बटरफ्लाइज, तितली भी मिलती हैं, ड्रैगन फ्लाइज भी मिलती हैं जी। तितली की बड़ी प्राणी होती है जी ड्रैगन फ्लाई, और ये सेंचुरीज है इसमें लगभग 200 स्पीसीज मिलते हैं जी, और माइग्रेटरी बर्ड भी आते हैं यहाँ पे। ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है जी, ये यहाँ पे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है इनका सेंचुरी के अंदर, जो क्या है एक्ट एज ए वाटर रिचार्ज जोन फॉर डेली, फरीदाबाद, गुड़गांव। ये जो यहाँ पे वाटर रिचार्ज का काम करता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया आ जाइए। ये जो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जी, इस फिगर से समझो आप, जो अलवर है जी, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सरिस्का क्या है, एक सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जी, सरिस्का नेशनल पार्क के नाम से है जी, सरिस्का नेशनल पार्क। तो ये क्या है, जैसे ये हो गया जी हरियाणा, ये हो गया राजस्थान, ये दिल्ली हो गया, तो सरिस्का नेशनल पार्क है। तो यहाँ जब सरिस्का नेशनल पार्क है, उसके कुछ दूरी के बाद ही ये असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू हो जाती है। ये देखो जी यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हो, ये राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में सरिस्का नेशनल पार्क, उसके बाद ये शुरू हो जाता है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब इसके नॉर्दर्न साइड में, उत्तरी साइड में। ये हरियाणा की मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद ये इतनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अराउंड 1 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे सारी एक्टिविटी है जो ये पॉल्यूशन फैलाने वाली, स्टोन क्योरिंग, स्टोनिंग क्योरिंग मतलब पत्थर निकालना भी, यहाँ पे पहाड़ियाँ पत्थर नहीं निकाल सकते आप, यहाँ पे सारा बैन किया हुआ है। कुछ क्या है नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह इनको रेगुलेट किया गया है, मतलब नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़, जैसे मान लो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो यहाँ पे, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हो, मतलब जो लघु उद्योग होते हैं, मतलब छोटी जो नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, बना सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, जो क्या है जी बारिश का पानी है उसको आप यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हो, या फिर कोई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यहाँ पे आप उसका क्या है देख सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर तक सकते हो। ये जो हरियाणा जी, उसकी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से एरियाज में पड़ता है, कौन कौन से विलेज आते हैं जी वहाँ पे, ये लकड़पुर विलेज है जी, ये सूरजकुंड में, पाली, मांगर, बाड़वारी, ग्वाल पहाड़ी, बलोला, मोहताबाद, बड़कल, अंखीर, मेवला, महाराजपुर, अनंगपुर, इतने सारे विलेज पड़ते हैं जिसमें। विलेज तो याद करने की ज़रूरत नहीं है जी, अगर आप हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एससीएस की, हरियाणा सिविल सर्विस की, तो आप याद कर सकते हो ये विलेज कौन कौन से विलेज में पड़ता है। रिज मैनेजमेंट बोर्ड क्या जी, अब ये देखते हैं, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीट हुआ हमारा। रिज मैनेज बोर्ड क्या जी, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जी, एमसी मेहता केस 1987 पर। तो इसने दिल्ली गवर्नमेंट से कहा, दिल्ली गवर्नमेंट से, कि आप एक मैनेजमेंट बोर्ड बनाइए ताकि जो दिल्ली रिज है, मतलब दिल्ली में जो पहाड़ियाँ आना जी, दिल्ली रिज अरावली का ही पार्ट है जो, उसे बोलते हैं दिल्ली रिज। दिल्ली रिज ये नॉर्थ एक्सटेंशन है अरावली रेंज का, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये नॉर्थ एक्सटेंशन को बोलते हैं दिल्ली रिज, जो दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली और कुछ हरियाणा के पार्ट में पड़ता है। तो इसे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंस्टिट्यूट करने के लिए बोला, बनाने के लिए रिज मैनेजमेंट बोर्ड, तो ये रिज मैनेजमेंट बोर्ड बनाया। और ये दिल्ली रिज कितने एरिया में फैला हुआ है, लगभग 35 किलोमीटर एरियाज में। तो दिल्ली रिज क्या है, जो ग्रीन कवर है दिल्ली का, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है जी। ये जो रिज मैनेजमेंट बोर्ड है ये कब बना गया, 6 अक्टूबर 1995 को बनाया गया, 1995 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। इसके मेंबर होते हैं जी, एक चेयरमैन होता है इस बोर्ड का, जो दिल्ली का जो चीफ सेक्रेटरी होता है वही इसका चेयरमैन होता है, और हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके मेंबर होते हैं जी, दिल्ली गवर्नमेंट के मेंबर सेक्रेटरी होता है इसका, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड होता है दिल्ली में, वो इसका मेंबर सेक्रेटरी होता है। बोर्ड में मेंबर होते हैं जी एनजीओ से भी, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, गैर सरकारी संस्था, उनसे भी इसमें मेंबर होते हैं रिज मैनेजमेंट बोर्ड में। तो इसमें सिर्फ इतना ही था जी।